हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हील एंड प्योर फार्मासिस्ट के द्वारा बनाए गए एनजी ग्लो एलोवेरा प्लस सैलिसिलिक एसिड प्लस ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश का रिव्यू। तो अगर आप इसे परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, बिकॉज मैं आपको इसके बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स और बताने वाली हूँ कि कौन सी स्किन वालों के लिए ये परफेक्ट काम करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग है और ये एक फार्मासिस्ट प्रोडक्ट है, डॉक्टर्स के द्वारा सुझाया जाता है। अगर आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्ने हो चुके हैं, पिंपल हो चुके हैं या फिर स्किन आपकी ऑयली है जिसके कारण आपको इरिटेशन रहती है, तो डेफिनेटली डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको ये सजेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर बात की जाए इसके प्राइस की, तो प्राइस इसका 180 रुपीज़ है, बट ये आपको अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं, या नहीं तो ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे भी इजीली मिल जाएगा। तो ये आपको कुछ 125 से 150 रुपये में मिल जाता है, तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में पड़ता है, ट्रैवल फ्रेंडली, आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। एंड इसके इंटरनल जो ट्यूब है वो कुछ इस तरह की है, फ्लिप फ्लॉप कवर के साथ आती है, ईजी टू यूज़ है, ट्रैवल फ्रेंडली है क्योंकि इसका जो कवर है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है, बिल्कुल भी लीक नहीं होता है, तो ट्रैवल फ्रेंडली है, आप बेझिझक इसे कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। इस फेस वॉश के जो मेन की इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा प्लस ग्लाइकोलिक एसिड प्लस सैलिसिलिक एसिड। ये तीनों ही इंग्रेडिएंट काफ़ी सुपर हैं, ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बिकॉज ये हमारे स्किन के ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, हमारी स्किन को एक्ने प्रिवेंट करते हैं, हमारी स्किन पर जितना भी पिंपल अगर होता है किसी की स्किन पर तो पिम्पल्स को ख़त्म करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, साथ ही साथ स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, डीपली क्लींस करता है, स्किन को स्मूथ एंड सप्पल बनाते हैं और हमारी स्किन को काफ़ी रिफ्रेशिंग फील कराते हैं। तो ऑलमोस्ट ये सभी इन्ग्रीडियंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड अगर बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से आपको यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको अच्छे से फेस को वॉश करना है नॉर्मल वाटर से, फिर इसका थोड़ा सा अमाउंट लेना है। इसका टेक्सचर काफ़ी लाइट वेट है, इसके अंदर हल्के से कलरफुल पार्टिकल्स डाले गए हैं जो कि आपको विजिबल हो रहे होंगे, और फेस पे लगाने के बाद अच्छी सी लेदर आ जाती है। कुछ सेकेंड तक आपको फेस पे मसाज करनी है, जो क्योंकि मसाज करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ये स्किन की इम्प्योरिटीज़ को अच्छे से क्लीन कर पाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि फटाफट से लगाया और रिमूव कर दिया, जिससे कि इम्प्योरिटीज़ टैनिंग अच्छे से नहीं ख़त्म हो पाती, जिससे कि फेस पर फेस वॉश करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। तो नॉर्मल वाटर से ही कर लो, इससे अच्छा बेस्ट रहेगा। अगर आप फेस वॉश कर रहे हो तो उसको कम से कम आपको 30 सेकंड तक फेस पर मसाज करनी है, जिससे कि वो आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो डीपली क्लीन हो जाएंगे, इम्प्योरिटीज़ खत्म होंगी, पॉल्यूशन जो आपके फेस पर, आप कहीं बाहर से आए हैं, टैनिंग हो चुकी है, डर्ट लग गई है, तो वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा और उसके बाद आपकी स्किन जो होगी ना वो स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाएगी। एंड इसको यूज़ करने के बाद आप अपने फेस पे कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं सन के एक्सपोजर में तो आपको एक अच्छी सी सनस्क्रीन जरूर लगानी है। एंड अगर बात की जाए इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो वैसे तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बिकॉज डॉक्टर्स इसे रिकमेंड करते हैं बहुत सी स्किन कंडीशंस में, बट लेकिन कुछ परसेंट लोग होते हैं जिनकी स्किन पर हो सकता है कि ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिखा दे, लाइक कि स्किन पर हल्की सी सेंसेशन या फिर रेडनेस आ सकती है। तो अगर आपको इस तरह की पोजिशन देखने को मिलती है तो आप इसे कंटिन्यू यूज़ ना करें, बिल्कुल सेफ़ है हर किसी के लिए, ऑयली स्किन के लिए तो हाईली रिकमेंडेड है, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए रिकमेंडेड है, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए मैं हाईली रिकमेंड नहीं करती हूँ। अगर ड्राई स्किन वाले से यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उनको एक अच्छा स्किन केयर उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा, एक अच्छा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन जरूर लगानी पड़ेगी। एंड अगर बात करूँ इसके अंदर डाले गए अदर इन्ग्रीडियंट की, तो इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं डाले गए हैं, जो भी इन्ग्रीडियंट डाले गए हैं वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी सेफ है, और इसी के साथ साथ ये वीगन है, GMP सर्टिफाइड एंड डर्मोलॉजिकल टेस्टेड अप्रूव है और बिल्कुल सेफ है, वीगन है, कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं की गई है। तो 100% मैं इसे रिकमेंड करती हूँ मैन एंड वुमेन दोनों के लिए, ऑयली स्किन के लिए तो हाईली रिकमेंडेड है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए रिकमेंडेड है, बट ड्राई स्किन के लिए आपको एक इसको यूज़ करने के बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा। सो अगर बात करूँ रिकमेंड करने की, तो रिकमेंडेड है। और अभी के लिए इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।